हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं LIC ADO के नोटिफिकेशन के बारे में। सो LIC ADO का फुल नोटिफिकेशन सारे जोन्स के लिए उसकी वेबसाइट पे आ गया है। हालांकि जो उनका जो करियर पेज है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो अभी वो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कुछ टाइम के अंदर दिख जाएगा। 12 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास रात को उन्होंने ये सारी वैकेंसीज निकाल दी थी। तो स्टूडेंट्स, गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 9400 वैकेंसीज आई हैं। तो यहाँ पे हर जोन की अलग अलग, आप देखेंगे कि सारे नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। 8 जोन के यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास ईस्टर्न जोन है, नॉर्थ जोन है, इस टाइप से सारे जोन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ईस्ट के अंदर 1049 वैकेंसीज है टोटल, नॉर्थ जोन के अंदर आपके पास जो है 1216 वैकेंसी है, वेस्टर्न जोनल के अंदर जो है 1942 वैकेंसी है, सेंट्रल जोनल के अंदर 561 वैकेंसी है, नॉर्दर्न सेंट्रल में देखेंगे तो 1033 है, साउदर्न सेंट्रल में देखेंगे तो 1408 है, और साउदर्न जोनल के अंदर देखेंगे तो 1516 है, और ईस्ट सेंट्रल में जो है 669 है। तो इस टाइप से आप सबको ऐड करेंगे तो टोटल आपकी ऑल ओवर इंडिया सारे जोन्स के अंदर जो है 9400 वैकेंसी है। स्टूडेंट्स, आप नोटिफिकेशन के अंदर ये जरूर देख लीजिएगा कि आपका जोन कौन सा है, उसके हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। इसमें एक और खास बात लिखी हुई है कि आपको एक ही जोन से अप्लाई करना है, आप 2 जोन से अलग अलग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सारे ही नोटिफिकेशन आउट हैं, आप देख सकते हैं हर जोन की यहाँ पे वैकेंसी आ गई है। लास्ट डेट है 10 फरवरी, और आज से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपका प्री और मेंस जो होगा वो मार्च और अप्रैल में है। प्री आपका 12th मार्च को है और मेंस आपका 8 अप्रैल को है, राइट? तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो टाइम है प्री के लिए, लगभग आपके पास 50 डेज का टाइम है यहाँ पे, और इसके लिए 1 महीना आपको और मिल जाएगा आगे मेंस के लिए। आइए बात करते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट किस किस लेवल पे है और क्या उसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहता है, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है दैट इज 56,000 अप्रोक्स, लगभग जो है 56-60,000 के आसपास आपको यहाँ पे ओवरऑल सैलरी मिलेगी। जो बेसिक पे है वो करीब करीब 36,000 के आसपास रहता है। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड भी आपका रहता है 1 ईयर का, और ये एज पर परफॉर्मेंस आपका आगे कंफर्मेशन आपको दिया जाता है, और वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बॉन्ड भी आपको यहाँ पे भरना होता है अप टू 3 लाख। अगर आप बीच में जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 4 ईयर से पहले अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना होता है। अब बात करते हैं इसमें जो स्टूडेंट्स कैटेगरी है, किस किस लेवल की कैटेगरी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरी होती है, जैसे LIC एम्प्लॉय की कैटेगरी है, LIC एजेंट की कैटेगरी है, और जो बाकी ओपन बाकी स्टूडेंट्स के लिए अदर कैटेगरी है। तो LIC एम्प्लॉय अगर कैटेगरी के लिए आपको भरना है तो आपको 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए LIC के अंदर ही, क्लास 3 के अंदर। LIC एजेंट बनना है तो आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अर्बन में इतना है, और रूरल में आप 4 ईयर से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो हो गई एक्सपीरियंस वाली। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर हैं, वो अदर कैटेगरी में आएंगे, तो इसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी लिखा हुआ है कि जो प्रेफरेंस है वो उनको दी जाएगी जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहीं पे भी, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में जिनका एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ्रेशर नहीं भर सकते, फ्रेशर ये वाली पोस्ट भर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है जिनका एक्सपीरियंस होगा। तो LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, LIC एजेंट के लिए 5 है, और अदर्स के लिए यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक्सपीरियंस वालों को यहाँ पे थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर नहीं भर सकते। LIC एम्प्लॉय और LIC जो एजेंट है दोनों के लिए ही सेम आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो अदर कैटेगरी के लिए ओपन मार्केट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एज ए ADO, वहां पे भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का है तो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जाइए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एजेंट के लिए जाइए, और अगर आप फ्रेशर हैं या आपको 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आप ADO के लिए यहाँ पे आप ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं।
और ये ग्रेजुएशन आपको चाहिए स्टूडेंट, 1 जनवरी तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ एज लिमिट जो है वो 21 से 30 है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30, और आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आप देख सकते हैं, हर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है, जो एजेंट है एम्प्लॉई है उनको अलग से यहाँ पे मिलता है। सो स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो अदर कैटेगरी है, जो ओपन कैटेगरी है जिसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए जो प्री है उसके अंदर आपका 3 सेक्शन है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश। मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन जो आएंगे इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। इंग्लिश 30 मार्क्स का है लेकिन ये आपके मार्क्स में काउंट नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हर एक के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा और यहाँ पे जो टोटल मेरिट आपकी बनेगी वो 70 बनेगी, इंग्लिश क्वालिफाइंग है और 20 गुना वैकेंसी से 20 गुना ज्यादा यहाँ पे लोग मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मेंस में आपका रीजनिंग और मैथ्स मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, जीए और इंग्लिश मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंश्योरेंस और फाइनेंस मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके पास 160 क्वेश्चन है, 120 मिनट आपको यहाँ पे ओवरऑल टाइम मिलेगा। तो ये आपका मेन्स का पैटर्न है 160 मार्क्स का। जो बाकी कैटेगरी है LIC एम्प्लॉई और LIC एजेंट, LIC एजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको उन रीजनिंग GA और जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। इनका जो पेपर है वो सिंगल ही होगा। LIC एजेंट के लिए आपको जैसे मेंस में वहां दिख रहा था रीजनिंग GA, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग अवेयरनेस आ जाएगा। इसमें रीजनिंग और GA का वेटेज बहुत कम कर दिया है क्योंकि ये एजेंट है तो इसलिए इनका जो पार्ट है वो इसी में ज्यादा होगा, इंश्योरेंस तो वही पेपर यहाँ पे लिया जाता है। 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे, इन दोनों का वेटेज बहुत कम है, 160 मार्क्स और 2 घंटे का पेपर होगा। LIC एम्प्लॉई के लिए भी सेम है, यहाँ मैथ्स और रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, जीए और इंग्लिश मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग आएगा 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए। तो इन दोनों के लिए आपका एक ही पेपर है, LIC एजेंट और LIC एम्प्लॉई के लिए। अदर कैटेगरी वालों के लिए 2 पेपर होने हैं, प्री और मेंस के। और फाइनली सबके लिए इंटरव्यू भी होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरव्यू है वो 40 मार्क्स का आपका अलग से इंटरव्यू लिया जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखना है, आप एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि आप एक ही डिवीजन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ये भी आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होगी, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट इस जॉब के फायदे क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। कुछ फायदे भी हैं और कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, तो उसको देख के ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। सबसे पहले मैं फायदे की बात करता हूँ कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसके अंदर जल्दी क्लियर कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो काफी ज्यादा है, जैसे आपने देखा कि 9400 वैकेंसी हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ कुछ टारगेट्स भी अचीव करने होते हैं, तो उन टारगेट के बेसिस पे आपको बोनस इंसेंटिव मिलते हैं। तो जो जो भी कैंडिडेट बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है उसको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है। आपने देखा था कि यहाँ सैलरी लगभग 60,000 के आसपास है। मैं आपको एक और वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि एक LIC ADO ऑफिसर ने जो सैलरी उठाई वो करीब 3.5-4 लाख के आसपास थी, इतनी ज्यादा सैलरी उन्होंने उठाई। तो वो इंसेंटिव की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ टारगेट्स होते हैं और उसके हिसाब से आपको बोनस इंसेंटिव भी मिलता है, तो जो काम करने वाले होते हैं यहाँ पे अच्छा काम करते हैं वो बहुत बढ़िया सैलरी भी लेके जाते हैं। तो ये है। और सबसे एक और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आपको होम पोस्टिंग मिलती है, मतलब आप घर के आसपास ही रिक्रूट किए जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि LIC के ऑफिसेज हर जगह होते हैं तो आपको आसपास ही कहीं पे रिक्रूटमेंट मिलता है। तो ये है इसके ज्यादा बेनिफिट्स। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, नेगेटिव मार्किंग पेपर में नहीं है और सैलरी भी अच्छी है और इंसेंटिव भी आप इसमें अच्छा कमा सकते हैं, घर के आसपास आपको जॉब मिलेगी। अब जो कुछ नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर आपको टारगेट बेस्ड जॉब मिलेगी और आपका ज्यादातर फील्ड जॉब होगा 90%। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को भरने से पहले ही कि ये पूरी की पूरी सेल्स जॉब है, राइट। ADO जो है वो पूरा दिन ऑफिस में नहीं बैठा रहेगा, वो ज्यादातर फील्ड में रहेगा और टारगेट होगा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची जाती हैं उन लोगों के साथ जाके, वो एजेंट्स जितने भी हैं वो इन्हें साथ लेके जाएंगे और जहां भी हो सकता है वो वहां पे उनकी हेल्प करेंगे और आपको टारगेट बेस मिलेगा
और अगर आपसे टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, तो आपकी जॉब जा सकती है। साथ के साथ इसमें जो बॉन्ड है, अगर इन केस आपने जॉब छोड़ दी तो आपको बॉन्ड के पैसे भरने पड़ेंगे। अगर आपने खुद से जॉब छोड़ी, टर्मिनेट कर देते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप खुद से जॉब छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर वाली जॉब है, हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, और अगर आप ये जॉब ज्वाइन करते हैं तो इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टारगेट्स, सेल्स प्रेशर, फील्ड जॉब रहता है। तो देखिए, अब इसमें दोनों ही चीजें हैं, पॉजिटिव चीज भी है और नेगेटिव चीज भी है, मैंने आपको दोनों बता दी। अब आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह जाना है। अगर मैं यहाँ पे इंसेंटिव वाली बात बोलूं, तो जो भी लोग बात करने में बहुत अच्छे हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और वो दूसरों से बात कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आप लाखों रुपए का इंसेंटिव कमा सकते हैं। और अगेन, जो बोलने चालने में अच्छे नहीं है, दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते, प्रेशर में आ जाते हैं, उनके लिए ये जॉब नहीं है। तो आप वो देख के ही भरिएगा, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। स्टूडेंट्स, LIC AA और ADO के लिए हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है और उसमें लगातार क्लासेस हो रही हैं, तो आप वो स्टडी प्लान भी डाउनलोड कर सकते हैं। AA और ADO के लिए हमारे पास कोर्स है, तो आप यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी क्लास लेते हैं जो कि AA में आती हैं, तो वो वाली क्लासेस भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ADO का फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो भरिए, AA का भी भरिए, उसके अंदर 300 वैकेंसी आई थी। ये वाली जॉब काफी ज्यादा प्रीमियम होती है, तो इसको भी आप जरूर भरिएगा, क्योंकि आप तैयारी तो कर ही रहे हैं तो लगभग आपकी इसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा, इसलिए आप दोनों फॉर्म ही भरिएगा अगर आप भर सकते हैं तो, और आप इस कोर्स को ले सकते हैं, दोनों की तैयारी कर सकते हैं साथ में ही, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ही एक्स्ट्रा आता है। तो अभी आप एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। इंश्योरेंस का पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। हमारी रोज वीडियोज LIC AA और ADO के लिए आती रहती है। 100 MCQ जो है ये आप सीरीज देख सकते हैं, इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके लिए हमने वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, और कोर्स भी आप ले सकते हैं जहां आपको और ज्यादा मटेरियल मिलेगा। सो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा इस जॉब के बारे में, तो आप इससे अप्लाई करिएगा, AA को भी अप्लाई करिएगा, और कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।